नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज डाकनी महामंत्र आप लोगों को दे रहा हूँ। डाकनी महामंत्र से जो ईसाइयों द्वारा दिग्भ्रमित किया गया हिंदुओं को कि डाकनी मतलब विच होती है, वो भ्रम अपने दिमाग से निकाल कर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। डाकनी शक्ति भगवती का एक रूप है। डाकनी शक्ति माँ भगवती का रूप कुरुकुल्ला, उनकी ईष्ट देवी है। और डाकनी शक्ति जोगिनियों में भी आती हैं और महादेवी के रूप में भी आती हैं। तो डाकनी और विच अलग होती हैं, ये आप लोग समझ लो। ये बाद में हमारे धर्म और हमारे शब्दों के साथ हेर फेर करके डाकनी को एक नेगेटिव शब्द बना दिया गया। अब दूसरे शब्द पर हम आते हैं। डाकनी साधना करने से पहले आपको समझना होगा कि ये साधना करते क्यों हैं। तो ये साधना या कोई भी साधना हम अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो कामना जो शब्द है वो कहाँ से आया? कामना शब्द आया काम से। जब हम काम के बारे में सोचते हैं तो काम भाव के बारे में, काम वासना के बारे में सोचते हैं। लेकिन कोई भी जो कामना है वो काम भाव होता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कामदेव का के 51 नाम हैं, और जो सटकर्म हैं जैसे सम्मोहन, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, ये सब कामदेव के नाम हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भगवती डाकनी का जब महामंत्र आप लोग करेंगे, ऐसे डाकनी भगवती का तो बहुत सारा रूप है, लेकिन जो महामंत्र आज हम करने वाले हैं उसको करने से पहले आप लोगों को रति देवी और कामदेव का मंत्र 3 बार बोलना होगा। उसके बाद माँ भगवती जगत जननी देवी काली का ध्यान करने के बाद जो डाकनी की साधना है वो शुरू की जाती है। डाकनी की साधना उत्तम होता है अगर श्मशान में करें, मशान में करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो घर का एक एकांत कोना आप खोज लें और वहाँ पे इनकी साधना करें। साधना के लिए आवश्यक क्या है? इनकी साधना 100 दिन की होती है, गिन के उंगली पर 100 दिन। जिस दिन छूटा उस दिन से फिर नया 100 दिन शुरू हो जाता है। दिशा का कोई बंधन नहीं है, बस आसन पृथ्वी होनी चाहिए, ठीक है? पृथ्वी, कच्ची मिट्टी का आसन होना चाहिए। वहाँ बैठ करके आपको ये साधना करनी है। 8 दीपक जलाएंगे, ठीक है? 9वां दीपक चौमुखी रखेंगे। आप इसको घी से जला सकते हैं, पीले सरसों का तेल से जला सकते हैं, ठीक है? सुगंध भरपूर मात्रा में रखेंगे, बहुत, मतलब उस जगह को बिल्कुल ही सुगंधित करेंगे जहाँ पर इस साधना को कर रहे हैं। हमेशा स्वच्छ रहेंगे, रात्रि में यह साधना होगी। शुरुआत जब आप करेंगे तो सबसे पहले कामदेव और रति का मंत्र पढ़ेंगे। तो क्या होगा मंत्र? बस बीज करना है 3-3 बार। तो पहला बीज जो आप पढ़ेंगे वो होगा क्लुम क्लुम क्लुम, ठीक है? और दूसरा बीज जो आप पढ़ेंगे वो होगा क्लिम क्रिम क्रॉम स्फ्रेम, ठीक है? ये 2 बीज को करने के बाद माँ भगवती देवी काली का आप लोग हृदय में ध्यान करेंगे। तो हृदय में जो ध्यान होता है माँ काली का कैसा होता है? जब आप डाकनी का की पूजा के लिए जब भगवती का ध्यान करेंगे तो थोड़ा अंतर आता है दोनों ध्यान में। हृदय में ही ध्यान होगा, परंतु ध्यान में ये अंतर होता है कि इसमें भी भगवती श्मशान में खड़ी रहती है जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन इसमें भगवती का रूप थोड़ा अलग होता है। इसमें भगवती ऐसे श्मशान में विराजती हैं जहाँ पर एक नदी बगल से बह रहा हो। बिना नदी वाले श्मशान में इनका ध्यान नहीं होता। तो हृदय में पहले एक नदी और एक श्मशान का ध्यान करें, उसके बाद रंजित जो एक रत्न से बना हुआ एक आसन पे भगवती खड़ी है और उनका सारा जो आभूषण है वो बिल्कुल ही मानव के हड्डियों से बना हुआ है, मुंडमाल धारण किए हुए है, और हजारों हजार जो दैत्य हैं उनका संहार करने वाली डाकनियाँ उनके चारों तरफ घूम रही। देखिए डाकनियाँ जो हैं, हम लोग तो खैर 1-8 डाकनियों का नाम जानते हैं, टोटल 51 डाकनियाँ हैं।
आप लोग जब भगवती का पाठ करते होंगे, चंडी पाठ करते होंगे, तो बहुत सारा नाम आता होगा, जैसे महारात्रि, कालरात्रि, विरूपा, कपालिनी, महोत्सवा, गुह्य निद्रा, वज्रिणी, शूलिनी, विमला, महोदरी, कुरुकुल्ला, कौमुदिनी, ये सब। जब काली का भी जब नाम का भजन करते हैं तो भी ये सब नाम आता है, कुमुदिनी आता है, मैना आता है, तारावती आता है, तिब्रा आता है, उल्कामुखी आता है, एकदंता आता है, अग्निमर्दनी आता है, लंबोदरी आता है, चंद्रघंटा आता है, ज्वालिनी आता है, पूतना आता है, वेगमाला आता है, जलंधरी आता है। ये तो मतलब ये सब सारी डाकनियाँ हैं, और ये आपको क्या ज्ञान और क्या शक्ति दे जाएंगी जो कोई और साधना आपको नहीं दे पाएगा। 100 दिन तक इस जो व्यवस्था मैंने बताई उसमें भगवती का ध्यान करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें डाकनी का भी ध्यान करना है। डाकनियों का क्या है कि डाकनी जो होती है वो नील वर्ण में, उनको ध्यान करना होता है, स्फटिक के टुकड़े के समान उनका स्वर्ण प्रभा होता है, ठीक है। जिह्वा हमेशा बाहर रहेगा, बिल्कुल सूखा हुआ, ठीक है, भयानक दिखती हैं। ललाट तट पर अर्धचंद्र रहता है इनका, खुला हुआ मुख रहेगा, दांत बाहर निकले हुए रहेंगे, शमशान में रहती हैं, नग्न हैं, कामातुर होती हैं, भूत पिशाच के साथ हमेशा दिखती हैं, दोनों हाथों में शव को लेकर शमशान में चिल्ला रही होती हैं। क्या चिल्ला रही होती है? शब्द होता है घ्री, घ्री, ठीक है, इसका चित्कार करते रहती हैं। इनके पास जो शस्त्र होते हैं वो होते हैं बाण, धनुष, तोमर, गदा, खडांग, मतलब डमरू, घंटा, भेरी, मर्दल, ठीक है। तो इस तरीके से चर चर शब्दों का जो है इनके चारों तरफ एक आवाहन होते रहता है, जिससे पूरी धरती कांपते रहती है, ठीक है। और आँखों से इनके करोड़ विद्युत के समान जो है वो तेज निकलता है, पेट इनका लंबा होता है, शरीर झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे डाकनियों का इनके आसपास ध्यान करना है। इतना करने के बाद एक स्फटिक की माला लेंगे और जाप करेंगे। देखो, स्फटिक की माला इसलिए नहीं ले रहे हैं कि गिनती से जाप करेंगे, ठीक है। स्फटिक की माला हम इसलिए ले रहे हैं ताकि ध्यान केंद्रित रहे और एक माला जो है आपका वो सिद्ध हो जाए। अब मंत्र सुनिए, 100 दिनों तक इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और एक माला तो कम से कम करिएगा, मध्य माला कभी नहीं छोड़िएगा। तो मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम हुम क्रीम क्लीम क्रोम ग्लुम सूक्ष्मा शक्तये कम खम हौम छुम क्रोम फट फट स्वाहा। देखो, ये जो मंत्र है ये खुद में बहुत मज़ेदार और बहुत अलग मंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें आकाश बीज है, इसमें रमा क्रोध काली का बीज है, इसमें अमृत बीज है, इसमें शक्ति का उच्चारण है, ठीक है, इसमें क वर के आदिम 2 वर्ण हैं, ठीक है, और महाक्रोध गरुड़ के भी 3 अस्त्र उच्चारण है, और अंत में फिर स्वाहा लगा दिया है। तो अपने में बहुत ही ये पावरफुल मंत्र है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसको आप लोग ढंग से लिखिए। ओम ह्रीम श्रीम हुम क्रीम क्लीम क्रोम ग्लुम सूक्ष्मा शक्तये कम खम हौम छुम क्रोम फट 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 स्वाहा। मतलब 3 बार फट बोलने का मतलब है कि एक बहुत ही उत्तेजित मंत्र है ये। इसमें विद्या का बीज है, इसमें धन का बीज है, और इसमें शक्ति का बीज है। तीनों जो मूल बीज है इसमें है। इसके अलावा इसमें पराशक्ति विज्ञान का बीज है, इसमें अष्ट विद्या का बीज है, इसमें अष्ट शक्ति का बीज है, इसमें अष्ट मूर्ति का बीज है, इसमें भगवती का बीज है। आपको बता दूं, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिनके सिखाए हुए कपालिक साधनाओं से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कानिफनाथ जी प्रभु, उनको जो मूल विद्या दी थी वो डाकनियों ने दी थी, और जो हम छिन्नमस्तिका की पूजा करते हैं 10 महाविद्या में, उनको भी विरोचन्य डाकनी के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो डाकनी एक पदवी थी, डाकनी एक महाशक्ति का नाम है। डाकनी को जैसे आज के समय में लोग बताते हैं कि डाइन चुड़ैल, ऐसा नहीं सोचना है, बहुत ही पूजनीय होती हैं डाकनी, और सारी डाकनियों का पूजा हमारे धर्म में होता है जो कालांतर में विलुप्त होता गया। तो इस मंत्र का आप लोग 100 दिन जाप कीजिए, आप
इसके बाद किसी का भी इलाज करने में, किसी के भी मदद करने में और खुद का मदद करने में हमेशा सक्षम रहिएगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती डाकनी आप सभी पर बहुत सारे आशीर्वाद बरसाए, आप लोगों को बहुत सारी शक्ति दे, ऐसी मेरी कामना है। जिनको बेसिक साधना सीखना है, आसन बंधन, दिशा बंधन, ये सब जो गुरु मंत्र से पहले अघोर में आता है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए अपने आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर से और गूगल प्ले से, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो मेरा नंबर आएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी मुझे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वेबसाइट पे। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।